कानून का दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी शकुंतला गौतम और पुलिस अधीक्षक प्रताप गोपेंद्र यादव ने पुलिस बल के साथ बागपत शहर में फ्लैग मार्च किया और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज जनमानस की अपील की। वहीं बागपत जनपद के नवाब कौबर हमीर के पुत्र अहमद हबीब ने बागपत की जनता से अपील की कि कोई भी जागरूक वासी मुस्लिम लोगों से अपील की कि किसी भी तरह से माहौल का खराब होने ना दिया जाए और गलबत को सदभाव फैलाने वाले लोगों को संचेत किया जा रहा है कि भाई गलबत के धर्म गुरुओं ने जनपद वासियों को अफवाह पर ध्यान ना देने के लिए भी कहा है। सभी इस पैगाम को दे रहे हैं। आज जुम्मे की निजाम नमाज को लेकर बागपत जनपद के हर गांव शहर में अधिकारी फूल मार्च निकाला जा रहा है। बागपत जनपद के मुस्लिम बहुल्य इलाके में अधिकारी निशक्त कदम उठाते हुए बागपत में जगह जगह शांति की अपील की है। बागपत जनपद को निवाड़ा गांव में भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं निवाड़ा जुम्मा मस्जिद पर इमाम खुशी मोहम्मद ने भी बड़ा निवाड़ा के लोगों से शांति की अपील की तथा जुम्मे की नमाज में शांति की अपील की। मौलाना हारिफुल्लक शहर इमाम बड़ौत। मैं अपने ज़िले के और बड़ौत के तमाम बाशिंदगान से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज जुमे का दिन है, मुबारक दिन है, और इस दिन आप जैसा कि पहले जुमे में मस्जिदों में आते रहे, नमाज पढ़ते रहे, अपने अपने घरों में जाते रहे, इसी तरह फिर मेरी आपसे गुजारिश है कि आज जुमे भी इसी तरह अदा करें और जुमे की नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करके अपने अपने घरों में पहुंच जाए। रास्तों में न खड़े होने की ज़रूरत है और न किसी की अफवाह में या किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत है। हमारी सबसे पहली ज़रूरत इस बात की है कि हमारे बागपत ज़िले का, बड़ौत का अमन चैन बरकरार रहे, ये मेरी आपसे गुजारिश है। मैं अहमद हमीद बागपत से, मैं सब लोगों से बागपत के, बागपत ज़िले के लोगों से और आसपास की जगहों से ये गुजारिश करूँगा कि जो ये हालात चल रहे हैं उसकी अफवाहों में ना बहकें और कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपकी जान को या माल को कोई हानि पहुँचे। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये ज़िला हमारा है, ये शहर हमारा है। यहाँ पर किसी भी हाल में हम किसी तरीके का झगड़ा या तनाव नहीं चाहते। मैं मुसलमान भाइयों से भी गुजारिश करूँगा कि जब वो नमाज में जाएँ तो भीड़ में ना जाएँ, दो दो तीन तीन करके ही पहुँचें और नमाज अदा करके वापस अपने काम पे चल जाए। किसी तरीके की परेशानी में ना घुसे, ना किसी को परेशान करने की कोशिश करें। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को